हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में क्योंकि इनके वर्क्स द रिपब्लिक को डायरेक्ट डिस्कस करने से बेटर है कि हम पहले प्लेटो के बारे में उनके मैंटोर सॉक्रेटिस के बारे में जानें सॉक्रेटिस के बारे में ब्रीफली हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले सॉक्रेटिस पर अपलोड किया वीडियो देखें इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्लेटो के बारे में रिनॉन्ड अमेरिकन पोइट एसेस्ट एंड लेक्चरर राव वॉल्डो एमरसन सेड फिलासफी इज प्लेटो एंड प्लेटो इज फिलासफ़ी वेस्टर्न फिलासफी के तीन पिलर्स सॉक्रेटिस प्लेटो एंड एरिस्टोटल में से प्लेटो ने अपने मैंटोर सॉक्रेटिस की टीचिंग्स एंड डायलॉग्स सिंगल हैंडली वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिए प्लेटो के सब्जेक्ट्स की रेंज फिलोसफी टू पॉलिटिक्स पोइटिक्स टू थियोलॉजी एथिक्स टू पीडागोजी तक है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सॉक्रेटिस की ब्रीफ़ बायोग्राफी डिस्कशन में जाना था कि उस टाइम के फिलासफर्स अ पाइथागोरस द फेमस इटालियन मैथमेटिशियन एंड हेराक्टस द वेल नॉन ग्रीक फ़िलासफर एंड इनके कंटेम्प्रेरी फ़िलासफर्स इस नेचुरल वर्ल्ड जिसे फिजिकल मैनिफेस्टेशंस लाइक स्टार्स हैबिटेट्स लैंडस्केप्स वेजिटेशन इन्हीं में इंडर्ज रहते थे उन्हें अपने आसपास के नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी बट सॉक्रेटीज़ एंड सॉक्रेटीज़ के स्टूडेंट प्लेटो ने ह्यूमन माइंड एंड सोल को कंटेम्पलेशन मीन्स सोच विचार या चिंतन का सब्जेक्ट बना दिया सॉक्रेटिस की फेमस सेंग या डिक्टम नो दाई सेल्फ को प्लेटो ने इतना प्रमोट किया दैट ये वेस्टर्न थाट का कॉर्नर स्टोन मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है बेस बन गया है एंड इस सेंग को मीन्स नो दाई सेल्फ को वेस्टर्न थाट का बेस माना जाता है नो दाई सेल्फ का मीनिंग होता है ख़ुद को जानना सॉक्रेटिस को पॉपुलर करने का पूरा क्रेडिट प्लेटो को जाता है प्लेटो ने अपने टीचर के बिलीव्स को वर्ल्ड के सामने रखा एंड उसी के साथ इन बिलीव्स को अपने तरीके से एक अलग डायमेंशन भी दिया प्लेटो का बर्थ 427 BCE एथेंस में हुआ प्लेटो का रियल नेम एरिस्टोक्लेस था एरिस्टोक्लेस मीन्स ग्लोरियस बट बाद में उनके फ़िजिकल इंस्ट्रक्टर ने उनके एथलेटिक बॉडी एंड ब्रॉड शोल्डर्स की वजह से उनका नाम प्लेटो रख दिया और आज हम एरिस्टोक्लेस को प्लेटो के नाम से जानते हैं प्लेटो वर्ड का मीनिंग होता है ब्रॉड शोल्डर्ड प्लेटो के फादर एरिस्टन रॉयल लाइनेज से बिलोंग करते थे प्लेटो की मदर पेरिक्टोनी के भी काफ़ी क्लोज रॉयल कनेक्शंस थे बिकॉज ऑफ हर सिस्टर एंड आंट प्लेटो का बर्थ पेलोपोनेशियन वॉर के दौरान हुआ था रिमेंबर 427 हंड्रेड और पेलोपोनेशियन वॉर 431 हंड्रेड से 404 हंड्रेड तक हुआ वॉर के वजह से अनरेस्ट एंड के था एंड ग्रीक पॉलिस। पॉलिस सिटीज़ में यूजली आपस में वॉर चलते ही रहते थे डिस्पाइट सेम रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चर यही मेन रीज़न था कि प्लेटो कॉन्स्टेंटली यूटोपिया ऑफ पीस मींस ऐसा वर्ल्ड जहां परमानेंट पीस हो जहां सफरिंग्स एंजाइटी बोर्डम डिजीज लोनलीनेस लॉस ऑफ लव्ड वंस रेस्टलेसनेस एंड सेल्फ हेट्रेड एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ प्लेटो को लगता था कि अगर कुछ सर्टन वर्च्यूज़ एथेनियन सिटीजन्स में इनकलकेट कर दिए जाएँ तो पीस इन प्रोग्रेस होते होते एक दिन परमानेंट हो जाएगा इन सब के ओस के चलते प्लेटो का चाइल्डहुड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे बट प्लेटो वॉज अ सेंसिटिव सो वो जो भी आसपास हो रहा था उससे अननोन तो बिल्कुल भी नहीं थे प्लेटो को काफ़ी यंग एज में जिमनाजियम अटेंड करना पड़ा और वहाँ जंपिंग प्लेइंग बुल गेम्स बॉक्सिंग रेसलिंग एंड थ्रोइंग डिस्कस एंड जॉलिन जैसे स्पोर्ट्स की रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ी रीज़न था कि वॉर की वजह से कभी भी बुलावा आ सकता था इसलिए मैथमेटिक्स म्यूज़िक फ़िलासफी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट थी कहा जाता है कि प्लेटो ने इस थर्मियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया एंड अच्छा परफॉर्म किया प्लेटो ने पिथियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था एंड प्लेटो ने पेलोपोनेशियन वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था सो प्लेटो वाज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड वो कोई अदर वर्ल्डली पर्सन नहीं थे जैसा कि प्लेटो के कुछ क्रिटिक्स मानते हैं प्लेटो के दो भाई एडमेंटस एंड ग्लोकॉन थे एंड एक सिस्टर पोटोनी थी जब प्लेटो काफ़ी यंग थे तभी उनके फ़ादर की डेथ हो गई थी और उनकी मदर ने दूसरी शादी पेरीलैम्पिस से की ये पर्शियन कोर्ट में एम्बेसडर थे पेरीलैम्पिस पेरिक्लिस का फ्रेंड था पेरिकलिस एथेंस में डेमोक्रेसी की शुरुआत करने वाले फर्स्ट रूलर थे सो so, प्लेटो के टोटल पांच भाई बहन थे जिनमें से दो भाई एडमेंटस एंड ग्लोकॉन एंड द सिस्टर पोटोनी एक स्टेप ब्रदर एंड एक हाफ ब्रदर एंटीफोन था प्लेटो अपनी इस एक्सटेंडेड फैमिली से बहुत अटैच थे यही रीज़न है कि प्लेटो ने अपने डायलॉग्स में भी उन्हें मेंशन किया है फॉर एग्जांपल प्लेटो ने रिपब्लिक में एडमेंटस एंड ग्लोकॉन को एज अ प्रॉपर कैरेक्टर प्रेजेंट किया है लाइक ऑल अदर रिच एंड वेल प्लेस्ड यूथ्स ऑफ टाइम प्लेटो को भी अपने टाइम के बेस्ट टीचर्स मिले प्लेटो ने फिजिकल एजुकेशन एंड सेरेब्रल एजुकेशन मीन्स ग्रामर म्यूजिक पेंटिंग मैथेमेटिक्स फ़िलासफी की पढ़ाई भी एथेंस की बेस्ट टीचर्स से की प्लेटो का स्टार्टिंग में इंटरेस्ट पोइट्री में था वो पोइट्री को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे एट फर्स्ट प्लेटो ने डिथी रैम्स मीन्स भजन लिखे गॉड ऑफ वाइन बैचूर्स के ऑनर में बट बाद में प्लेटो का इंटरेस्ट लिरिक पोएम्स एंड ट्रेजिडीज में डेवलप हुआ अगर प्लेटो इसे कंटिन्यू करते तो एक ग्रेट पोइट भी बन सकते थे ये उनकी एग्जिस्टिंग राइटिंग्स को ध्यान में रखते हुए अक्सर कहा जाता है बट सोक्रेटिस से मिलने के बाद प्लेटो ने अपनी ऑलमोस्ट सभी पोइम्स जला दी थी बिकॉज सॉक्रेटिस का मानना था कि पोइट एंड उसकी पोइट्री सोसाइटी को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं सॉक्रेटिस के इस ओपिनियन ने प्लेटो का माइंडसेट पूरे तरीके से चेंज कर दिया एंड वो फुली फिलासोफी के लिए डेडिकेट हो गए प्लेटो को गवर्नमेंट जॉइन करने का भी ऑप्शन था एंड ही ट्राई टू जॉइन इट बट जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि ये उनकी जगह नहीं है प्लेटो की बाकी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई इन्फॉमेसन अवेलेबल नहीं है जैसे कि एमरसन कहते हैं ग्रेट जीनियसिस हैव द शॉर्टेस्ट बायोग्राफीज दियर कजन्स कैन टेल यू नथिंग अबाउट दैम दे लिव्ड इन दियर राइटिंग्स एंड सो दियर हाउस एंड द स्ट्रीट लाइफ वॉज ट्रीवियल कॉमन प्लेस इफ़ यू वुड नो दियर टेस्ट्स एंड कॉम्प्लेक्शंस द मोस्ट एडमायरिंग ऑफ दियर रीडर्स मोस्ट रिजेंबल दैम plato especially has no external biography if he had lover wife or children we hear nothing of them he ground them all into point as a good chimney burns its a smoke so a philosopher converts the value of all his fortunes into his intellectual performances but personal information ki absence ke baad bhi hame itna to pata hai ke plato and uske brother glaucon and adventus. फिलॉसफी सबसे पहले अपने टीचर कैटिलस से पढ़े थे कैटिलस रिनॉन्ड फिलोसोफर हेराक्लीटस का स्टूडेंट था हेराक्लीटस ने ये फेमस आइडिया दिया था दैट फिजिकल वर्ल्ड रियल में बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं या देखते हैं ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है प्लेटो को फिलासफी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी इसलिए तो जब प्लेटो सॉक्रटिस से मिले तो पूरी तरह से उनके लिए डिवोटेड हो गए ऑल दो उस टाइम सॉक्रेटिस का उनके थॉट्स एंड आइडियाज़ की वजह से आ, ओल्ड कॉमेडी राइटर एरिस्टोफेनिस ने अपने प्ले द क्लाउड्स में डायरेक्ट टारगेट कर उनका मजाक बनाया था सॉक्रटिस क्लेम करते थे कि उन्हें कई बार फ्यूचर इवेंट्स के बारे में अपने ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाता है प्लीज का ये क्लेम करना कि वो अपने ड्रीम्स में फ्यूचर इवेंट्स को देख लेते हैं ये भी एक रीज़न था कि एरिस्टोफेनिस ने द क्लाउड्स लिखा और उनका मजाक बनाया सॉक्रेटिस क्लेम करते थे कि उन्हें कई बार फ्यूचर इवेंट्स के बारे में अपनी ड्रीम्स से, से पता चल जाता है एज आई सेट बिफोर सॉक्रेटिस जब प्लेटो से मिले तो उन्हें इसका सपना पहले से आ गया था जिसमें उन्होंने देखा कि उनकी लैब में एक सिग्नेट मीन्स यंग स्वान आकर बैठा है ये सिग्नेट बड़ा हो जाता है और बहुत लवेबल सॉन्ग्स गाता है अगर आपने द इलियट द ऑडिसी या किसी भी एशंट ग्रीक वर्क को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनमें औरकल्स मीन्स भविष्य बताने वालों का एंड ड्रीम्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्वेंटी की एज में प्लेटो सॉक्रेटिस के पक्के एडमायर बन चुके थे बट कहीं कहीं ये मेंशन किया गया है कि प्लेटो की एज ट्वेंटी एट थी जब वो सॉक्रेटिस से मिले थे प्लेटो सॉक्रेटिस के अथॉरिटीज़ के लिए फियरलेस स्टैंड से बहुत इम्प्रेस थे सोकर्रेटिस के कांटेक्ट में आने के बाद ही प्लेटो ने जाना कि फ़िलासफी ओनली एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है सॉक्रेटिस ने फिलासफी को एक नया डायमेंशन दिया जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ मोरालिटी, गुडनेस एंड हैप्पीनेस को ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है अब ये जो फ़िलोसॉफिक मैथडोलॉजी थी ये ओनली रोल ऑफ गॉड्स इन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स अ फिनिना से कई गुना ज़्यादा लॉजिकल एंड डाइवर्स थी एंड सॉक्रेटिस के मेथड की सिग्निफिकेंस को पहचान कर प्लेटो एंड उनके दोनों भाइयों एडमेंटस एंड ग्लोकॉन ने सॉक्रेटिस को ज्वाइन करने में ज़रा भी देर नहीं की सॉक्रेटिस को ज्वाइन करना प्लेटो की लाइफ का टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ विल ड्रट ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द ओल्ड गेटफ्लाई अ नेम दैट इज सॉक्रेटिस गिव टू हिमसेल्फ ही पासड फ्रॉम मीयर डिबेट टू केयरफुल एनालिसिस एंड फ्रूटफुल डिस्कशन प्लेटो ने भी अपने डायलॉग में कई बार मैंशन किया है आई थिंक गॉड दैट आई वॉज बॉर्न इन द एज ऑफ सॉक्रेटिस सो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो की आगे की लाइफ एंड उनके वर्क रिपब्लिक की बुक टेन को डिटेल से डिस्कस करेंगे आई होप आपको आज का डिस्कशन इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम